महुआ बाया नदी का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण पानी को नहरों में छोड़ा जा रहा है। वहीं नहरों की भी स्थिति दयनीय हो गई है। यह दृश्य महुआ नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 का है, जहां नहरों के पानी के बाहर आने से वार्ड संख्या 2 में भीषण जल जमा हो गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस प्रकार से बाया नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, उससे वाट का खतरा है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस जल जमाव से निजात दिलाने की मांग की है। महिलाओं ने माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ किया प्रदर्शन, लॉकडाउन में किस्त नहीं लेने की मांग। महुआ प्रखंड क्षेत्र के हुसैनीपुर गांव में महिलाओं ने माइक्रो फाइनेंस बैंक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां लॉकडाउन है, कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं माइक्रो फाइनेंस के कर्मी हर महीने किस्त लेने आ जाते हैं। एक तरफ जहां पूरा व्यापार ठप है, वहीं किस्त लेने पर महिलाओं ने इसका विरोध किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक विनोद यादव ने कहा कि एक तरफ जहां कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, व्यापार बिजनेस मजदूरी सारा चीज ठप पड़ा हुआ है, वहीं माइक्रो फाइनेंस कर्मी हर महीने किस्त लेने आते हैं। उन्होंने सरकार से लॉकडाउन और कोरोना वायरस के काल में किस्त न लेने की मांग की है। कोरोना में मजदूरों का रोजगार अभी छीन चुका है, फैक्ट्री बंद है, बड़े बड़े ठेकेदारी सब बंद है, और इस बीच में ये जो गरीब महिलाएं हैं, इनके कई समूह हैं महुआ के अंदर। तो जानकारी ये हो रही थी कि ये जो छोटे छोटे समूहों को कर्ज दिया गया है, इस कोरोना में जहां बेरोजगारी है, भूखमरी है, वहां ये प्राइवेट बैंक और समूहों को कर्ज देने वाले लोगों ने बहुत कड़ाई से दबाव बनाया हुआ है। जानकारी, रोटी और पानी की चिंता हो रही है, और उस स्थिति में उनको कर्ज चुकता करने का दबाव ये आम भी है। महुआ के कन्हौली सैदपुर चौर में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जाता है कि सैदपुर गांव के अशरफ और ताज बकरी चराने के लिए चौर में गए थे। चौर में एक गड्ढे में पानी था, जिसमें अशरफ नहाने लगा। नहाने के दौरान वो डूबने लगा तो ताज उसे बचाने के लिए पानी में कूदा और दोनों उसी पानी में डूब गए। बाद में आसपास के बच्चों ने जब शोर मचाया, तब कुछ लोग गड्ढे के पास पहुँचे और पानी से दोनों को बाहर निकाला। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मौत की खबर जब घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक साथ 2-2 बच्चों की मौत की खबर मिलते ही घर पर सैकड़ों लोग पहुंच गए। स्थानीय मुखिया मनोज दास भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की तथा उन्हें सांत्वना दी। हालांकि मृतक का परिवार सरकारी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। महुआ के बाया नदी के बढ़ते जलस्तर एवं संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए महुआ CO अमर कुमार सिन्हा और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद ने कई घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महुआ काली घाट, धोबी घाट आदि का निरीक्षण कर कई स्थानों पर मरम्मति का भी निर्देश दिया। गौरतलब हो कि नदी का पानी नहरों में आ गया और कई गाँवों में जल जमाव हो गया है, जिसको लेकर CO अमर कुमार सिन्हा और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने घाटों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में वार्ड पार्षद अभिषेक कुमार, रविंद्र कुमार रवि, सुनील रविदास, बंटी मिश्रा, नागेंद्र राय, राजा कुमार, राजा धवन, उदय कुमार, शिवचंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, शंभु कुमार आदि शामिल थे।
महुआ के फुदेनी चौक पर AIKKMS के कार्यकर्ताओं ने 503 मांगों के समर्थन में प्रतिवाद दिवस मनाया। इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के महंगाई नीति से भी लोग त्रस्त हो गए हैं। कार्यक्रम में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को आधा करने, नील गाय आवारा पशुओं से किसानों की फसल की सुरक्षा की गारंटी देने, खाद संशोधन अधिनियम 2020 को रद्द करने सहित 503 मांगों का एक ज्ञापन ऑनलाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिलाधिकारी वैशाली को भेजा गया है। इस कार्यक्रम में संगठन के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ साहू, प्रखंड अध्यक्ष राम पुकार राय, ललित कुमार घोष, अनिल राय, भूषण राय, शिवचंद्र राय, शिवचंद्र कुमार आदि उपस्थित थे। आश्वासनों कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश चीनी मिल चालू करो चालू करो सही सभी हमारा पशुओं से किसानों के फसल की सुरक्षा की गारंटी करो गारंटी करो गारंटी करो आवश्यक पशु संशोधन अध्यादेश 2020 रद्द करो रद्द करो। महुआ पहुंचे लोजपा के नवनियुक्त जिला कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आगामी विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी गई है। बूथ स्तर पर कमेटी का विस्तार किया जा रहा है और पार्टी को मजबूती बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला में लोजपा चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा।